अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैकस्पेस की और डिलीट की में क्या डिफरेंस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप लोगों को पता है ये दोनों कीज़ डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं। हम इससे क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं कुछ भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इसमें क्या करते हैं, करेक्टर्स को डिलीट करते हैं। अब इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है मैं वो आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। ये आप लोगों का इंसर्शन पॉइंट है जो ब्लिंक कर रहा था। इसके लेफ्ट पे आप लोगों का डी है, इसके राइट पे कोई भी करेक्टर नहीं है। अगर आप लोगों ने डी को डिलीट करना है तो आप लोग किसको यूज़ करोगे, बैकस्पेस की को यूज़ करोगे। ये देखिए डिलीट हो गया है। इस तरह से अगर आप लोगों ने बैक साइड पे आप लोगों ने करेक्टर्स को डिलीट करना है, बैकवर्ड करेक्टर्स को डिलीट करना है, तो आप लोग बैकस्पेस की को डिलीट यूज़ करोगे। अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर कर्सर किसी भी टेक्स्ट के मिड में है, किसी भी टेक्स्ट के दरमियान में है, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसके लेफ्ट पे जो है आर है और इसके राइट पे क्या है, ई है। कर्सर के राइट साइड पे आपको ई नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, आर नज़र आ रहा है। तो इनमें आप लोगों की ये जो इसको डिलीट करने के लिए आप लोगों की कौन सी की यूज़ होगी, डिलीट की यूज़ होगी। आप लोगों की कौन सी की यूज़ होगी, डिलीट की यूज़ होगी, ठीक है। मतलब आपका जहाँ पे कर्सर है, कर्सर के राइट पे आप लोगों ने कोई भी करेक्टर डिलीट करना है तो आप लोग किसको यूज़ करोगे, डिलीट को। अब यहाँ ये कर्सर के किस पे है, लेफ्ट पे है, इसके लिए हम लोग किसको यूज़ करेंगे, बैक स्पेस की को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का राइट साइड है, ठीक है, और ये आप लोगों की लेफ्ट साइड है, किसकी, कर्सर की। ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये करेक्टर डिलीट करना है तो मैं यूज़ करूँगी बैकस्पेस की लेफ्ट पे। अगर मैंने राइट करेक्टर डिलीट करना है तो मैं डिलीट की यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का कर्सर है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने राइट करेक्टर्स को डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट की यूज़ करें। आप लोगों का कर्सर यहाँ पे है, आप लोगों ने लेफ्ट करेक्टर्स को डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस की यूज़ करें। अगर आप लोगों ने राइट करेक्टर्स को डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट की यूज़ करें, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ गई आप लोगों को, ये छोटा सा माइनस है डिफरेंस बैकस्पेस की और डिलीट की के दरमियान।